भाई हमारा अमरान भाई मिल गए हैं यहाँ पे, और साथ में फॉलोवर्स भी है हमारे, और हमारे बिग फैन, बिग फैन इंडिया का नहीं पूरे मुल्क का ताज है, पूरे जहान का भाई। कैसा लगा आमिर भाई, कैसा लगा आपको यहाँ पे? मजा आ गया भाई, ये हमारे मुगलों की बनाई हुई जामा मस्जिद है, ये हमारे साथ भाई के रिश्तेदार लगते थे, मुगल बादशाह थे भाई, मेरे रिश्तेदार तो नहीं थे लेकिन काफी अच्छे लोग थे, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी, देख लिया आपने सामने। भाई का अस्सलाम वालेकुम, मोहन सगल दिखाते। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई? वालेकुम अस्सलाम, और आप बहुत बढ़िया है भाई, आप बताइए कैसे हो? रौनक कैसी है हमारे जहाँ? बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मजा आ गया, मजे बांध दिया आपने, कसम से सजा रखा है आपने अच्छे से, यहाँ सबके लोगों ने इंशाल्लाह, और ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से ऐसी में आ रही है। जो ना हमारे जामा मस्जिद की साइडों पे ना कुछ रेनोवेशन होगा, होता है इसमें लाइटिंग वाइटिंग होती तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे में कमेटी मेंबर बात कर रही है, इंशाल्लाह अगले साल से हो जाएगा। हाँ यार ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे ना इंडिया की ताज है, ये होना चाहिए भाई, इंडिया का नहीं पूरे मुल्क का ताज है, पूरी जान का भाई, इंडिया की भाई। भाई का चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और बताइएगा ये जामा मस्जिद की वीडियो आपको कैसी लगी, और इंशाल्लाह आगे तो और बनाने की कोशिश करेंगे भाई जान। अल्लाह हाफिज़ भाई, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू भाई, ओके भाई, सब काट दूंगा, सब काट दूंगा सब। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, तो भाई हमारा अमरान भाई मिल गए हैं यहाँ पे, और साथ में अमरान भाई के पास आए फॉलोवर्स भी है हमारे, और हमारे बिग फैन, बिग फैन हमारे साथ में काम करते हैं दोनों भाई। तो कैसे हो आप यहाँ पे? यहाँ पे कर क्या रहे हो आप? आज जो कर रहे हो भाई, कैमरा का है? अपने साथ के ये भाई काम करते हैं। हाँ जी हाँ जी भाई, तो भाई हमारे हमें दोस्त मिल गए थे जो बैंक में हमारे साथ में ही काम करते हैं, तो उनके साथ में थोड़ी बातचीत हो गई, और हमारे दोस्त अभी आगे निकल गए, अभी हम निकल रहे हैं। तो गाइज ये हैं जामा मस्जिद की गलियां, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, और खूबसूरत तो बहुत ही ज़्यादा है, इन्होंने रेनोवेशन अच्छे से किया हुआ, लाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छे से की हुई है, और अभी हम जा रहे हैं कूल पॉइंट की तरफ को, कूल पॉइंट पे हमारे दोस्त वगैरह खड़े हुए हैं, ये देखिए ये खड़े पड़े हैं सारे के सारे, क्योंकि इनको खाना है रबड़ी, और बिना रबड़ी खाए इनको तो चैन पड़ता नहीं है जब भी कभी जामा मस्जिद आते हैं। तो खूबसूरत तो बहुत ज़्यादा है, और ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है, ये देखो हमने ऑर्डर कर ही रखा है ऑलरेडी, हमारे दोस्त साथ में हैं ही, तो अभी हम टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है। देखो देखने की तो काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह, और काफ़ी खूबसूरत भी है, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। भाई बहुत टेस्टी है रबड़ी भाई की, आप भी आइए यहाँ पे, कूल पॉइंट के नाम से है, गेट नंबर 1 के बिल्कुल सामने ही है कूल पॉइंट, काफ़ी टेस्टी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, मैं भी खा रहा हूँ आप भी खाओ। देखो हम आपको दुकान दिखा देते हैं, ये देखिए गाजर का हलवा वगैरह है, और रबड़ी है, साथ में रसगुल्ले हैं, ये देखो दूध है, लस्सी वगैरह है, ये सारे के सारे कूल पॉइंट की जो है ना बहुत ही ज़्यादा फेमस डिशेस हैं, ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेल होता है, और टेस्ट इनका लाजवाब है भाई, टेस्ट एकदम बढ़िया है, बहुत बढ़िया टेस्ट मिला हमारे को, मज़ा आ गया खाने के बाद, सारे दोस्तों ने इनको फिनिश कर दिया है, अभी हमारा प्लान है घर निकलने के लिए, तो अभी हम कुछ देखते हैं, कुछ जगह वगैरह और घूमते हैं, साथ में गुलशार भाई वगैरह हैं, मोविन भाई हैं, और गोल्डी भाई हैं, जुन्नू भाई भी हमारे साथ में ही हैं लगे हुए। दिल्ली की गलियां देख लो आप एक बार, जामा मस्जिद की जो गलियां हैं ना क्या खूबसूरत हैं भाई, रमजानों के टाइम में ईद से पहले इनको और भी ज़्यादा चमका दिया जाता है, लाइटिंग बेशुमार की हुई है, यहाँ पे बड़े से बड़े आपको फूड्स कॉर्नर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फूड के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा हज उमरा के लिए, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हज के लिए उमरा के लिए भेजते हैं, सारी फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे आप इत्र की यहाँ पे आप एडवर्टाइजिंग देख सकते हो, कैसे ये खुशबू की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं यहाँ पे।